राजस्थान में पंचायत राज और जिला परिषद के चुनावों के परिणाम उम्मीद से बिल्कुल अलग रहे। जहां पहले दिन कांग्रेस बढ़त बनाती दिखी, वहीं शाम होते होते चुनाव के परिणाम ने स्थिति साफ कर दी कि गांव की सरताज प्रदेश में भाजपा ही है। आपको बता दें कि 21 जिलों के देर रात तक 4051 पंचायत समिति सदस्यों के घोषित परिणाम में कांग्रेस ने 1718 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं भाजपा ने 1836 सीटें जीतकर यह मिथक तोड़ दिया कि सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव में बड़ा फायदा होता है। प्रदेश कांग्रेस पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों ही चुनावों में खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गजों को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा। मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। मंगलवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कानूनों को वापस नहीं लेती और वापस लेने की बात लिखित में नहीं देती, तब तक वे प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। इसे लेकर भीषण सर्दी में भी किसान 14 दिनों से सड़कों पर जमे हुए हैं। इस बीच कई किसानों की अलग अलग कारणों से जान भी चली गई। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारियों को शहीद कहना शुरू कर दिया है। अब तक तकरीबन 8 किसानों की मौत हो चुकी है। इन किसानों में अजय सिंह, किताब सिंह, गुरजन सिंह, गुरुभाष सिंह, गज्जर सिंह, बलजिंदर सिंह, धन्ना सिंह और लखवीर सिंह शामिल हैं। भारत समेत दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए उम्मीद की किरण बनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को शोधकर्ताओं ने समीक्षा के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित पाया। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के अंतिम चरण के ट्रायल के परिणामों की स्वतंत्र समीक्षा प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका लासेंट में छपी है। इस शोध में ये कहा गया है कि ट्रायल के दौरान यह कोरोना वायरस वैक्सीन महामारी को रोकने में औसतन 70% प्रभावी साबित हुई है। ताजा शोध भारत के लिए भी बहुत अच्छी खबर मानी जा रही है। देश में कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का काम जोरों शोरों से जारी है। केंद्र सरकार भारतीयों को वैक्सीन देने की रणनीति पर काम कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। लग्जमबर्ग की बी मेडिकल सिस्टम कंपनी भारत में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन फैसिलिटी का निर्माण करेगी। इसका प्लांट गुजरात में लगाने की योजना बनाई जा रही है। कंपनी के डेप्यूटी सीईओ जे दोषी ने कहा, हम भारत में कोल्ड चेन फैसिलिटी निर्माण करेंगे और हमारा लक्ष्य मार्च 2021 तक एक विनिर्माण इकाई शुरू करना है। देखिए, हमने पहले तो एक डिसीजन ले लिया है कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे वैक्सीन कोल्ड चेन इक्विपमेंट, और हमारा टारगेट ये है कि हम मार्च 2021 में मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दें ताकि इंडियन मार्केट को हम सप्लाई कर सकें। आज आप जानते ही हो कि कोविड वैक्सीन सबसे ज़रूरी चीज़ टाइम है। हर दिन जो डिले हो रहा है वैक्सीन आने में, वहाँ पर काफ़ी नुकसान, आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, जान की नुकसान भी हो रहा है। तो इसलिए हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मार्च में मैन्युफैक्चरिंग हम चालू कर दें यहाँ पे। किन किन लोगों ने प्लान बनाया है जाने का और कौन सी सिटीज़ हैं जो आपके टारगेट में रहेंगी? हम आज अभी दिल्ली में हैं, कल हम हैदराबाद जा रहे हैं, उसके बाद हम मुंबई जाएंगे, पुणे जाएंगे और उसके बाद अहमदाबाद जाएंगे। क्या यूनिक बनाता है आपकी कंपनी को, क्योंकि अभी कोविड का दौर भी चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं? देखिए, एक तो ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कोल्ड चेन वैक्सीन कोल्ड चेन कंपनी है। ये कंपनी ऑलमोस्ट 50 साल पहले शुरू हुई थी लग्जमबर्ग में इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड नेम के अंदर के नीचे। उसके बाद काफ़ी चेंजेस हुए, ब्रांड नेम चेंज हुआ, लेकिन आज भी हम लग्जमबर्ग में ही हमारे सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले बुधवार को 97,35,000 के पार पहुंच गए, जिनमें से 92 लाख से ज्यादा लोगों के ठीक होने के साथ ही देश में मरीजों के रिकवर होने की रेट बढ़कर 94.66% हो गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के 32,080 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 97,35,850 हो गए। वहीं 402 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 141,360 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में 92,15,581 लोगों के रिकवर होने के साथ ही मरीजों के रिकवर होने की दर 94.66% हो गई। वहीं कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.45% है।